Welcome back again. So today's video is Tanaji Malusare biography, and then it says Tanaji Malusare ki Veerta ki Bemisal Shaurya Katha. So we saw Tanaji just recently, and guys, what a beautiful movie. It was really, really amazing. And let me share something very interesting. So after watching the movie, I called my parents up and I said, have you watched this movie yet? And they were like, no, we haven't. I said, it's really nice. You need to go and watch it. And don't watch it at home. You need to go watch it in the theater. So make sure. And I literally, I mean, every single day I would call them and ask them, did you watch it today? No, we didn't get time. Did you watch it today? No, we didn't. And then one fine day, I called them and they were like, we just now watched this movie in the theater and we are now sitting in Subway eating a sandwich. And after that, we'll be going back home. And then, you know, they were like, this was a beautiful movie. Really loved it. So guys, that was a fantastic movie. And yeah, before that, I did not know about the history or of this great hero of our country. And I'm so glad that such movies are being made. Because then we as Indians are getting to know about our brave, brave heroes. And we feel proud that we had such great people in our country. So coming back to this video, yes, friends, before we go ahead and start watching this video, if you're new to the channel and you haven't hit the subscribe button yet, make sure to hit the subscribe button and the bell icon so that you get notifications of all our videos as soon as we upload them. And after watching this video, if you like it, then click the like button and share the video with your friends and family. So, okay, friends, let's go ahead and watch this video. भारत देश के इतिहास में बहुत से वीर योद्धाओं ने जन्म लिया। उनकी शूरवीरताओं की कहानियां दुनिया भर में मशहूर हैं, जिन्होंने न केवल देश की रक्षा की, बल्कि देश के लिए बहादुरी से लड़ते हुए हंसते-हंसते शहीद भी हो गए। आज हम आपको एक वीर योद्धा के बारे में बताएंगे जिनके साहस और शौर्य की मिसाल आज भी कायम है। इतिहास के पन्नों में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। इस वीर योद्धा का नाम है तानाजी मालुसरे। महाराष्ट्र के लोगों के लिए ये नाम जाना पहचाना हो सकता है, पर देश के अन्य लोग आज भी तानाजी मालुसरे के साहस, बहादुरी और पराक्रम से अवगत नहीं है। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में तानाजी मालुसरे से परिचित करवाते हैं। शिवाजी महाराज के घनिष्ठ और परम मित्र थे और वे एक वीर निष्ठावान मराठा सरदार थे। वे छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिबद्धता के लिए भी एक ना भुलाए जाने वाले प्रतीक माने जाते थे। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ मिलकर कई लड़ाइयां लड़ी और उन सब में विजय हासिल की। सन 1670 ईसा पूर्व में सिंहगढ़ की लड़ाई में उनकी अहम भूमिका रही थी, जिसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। अपने बेटे के विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्य को महत्व न देते हुए उन्होंने शिवाजी महाराज की इच्छा का मान रखते हुए कोंडाणा किला जीतना ज्यादा जरूरी समझा था। मराठा योद्धा तानाजी मालुसरे का जन्म 16वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के कोंकण प्रांत में महाड़ के पास उमरथे में हुआ। वे हिंदू कोली परिवार में पैदा हुए थे। तानाजी को बचपन से ही तलवारों के साथ खेलने का बड़ा शौक था। यही तलवारबाजी खास वजह रही कि उनकी मित्रता बचपन से ही शिवाजी से हो गई। आगे चलकर शिवाजी महाराज ने तानाजी को अपनी सेना का सेनापति और मराठा साम्राज्य का मुख्य सूबेदार बना दिया था। यहाँ पर यह कहा जाए कि दोनों में वीरता और साहस के अलावा चालाकी और सूझबूझ भी भरी हुई थी, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। वैसे भी इतिहास गवाह है कि बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की नाक में दम करके रख दिया था और उसके बाद ही मराठा साम्राज्य काफी शक्तिशाली बना था। और शिवाजी महाराज की इन सारी विजय में विशेष योगदान तानाजी का ही था। जून 1665 के पुरंदर समझौते के अनुसार शिवाजी महाराज को मुगलों के हाथों कोंडाणा समेत 23 किले सौंपने पड़े थे। इस समझौते ने मराठों के स्वाभिमान को कड़ा ठेस पहुंचा दिया था। किंतु शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई, जिन्हें पूरे राज्य की माता भी कहा जाता था, उनके अंतर्मन में जैसे चुभन सी हो गई थी। किसी ने अनुभव नहीं किया था उसे। शिवाजी महाराज अपनी माता जी को बहुत चाहते थे, लेकिन उनकी इच्छा पूरी कर सकना उनके वश में नहीं था, क्योंकि सिंहगढ़ जीतना एक असंभव सा काम हो गया था। सिंहगढ़ की रक्षा 5000 मुगल सैनिक कर रहे थे। सिंहगढ़ के लोकगीतों और लोक कथाओं के अनुसार एक सवेरे जब जीजाबाई प्रतापगढ़ की खिड़की से देख रही थी,
तो उस समय कुछ दूरी पर उन्हें एक ओढ़ाना दिखाई दिया। ये किला मुगलों के अधीन में था। ये सोचकर उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने तुरंत अपने घुड़सवार को शिवाजी महाराज के पास रायगढ़ भेजा। उसके साथ संदेशा भेजा कि वे तुरंत प्रतापगढ़ उपस्थित हो। शिवाजी महाराज माताजी के बुलाने का कारण जाने बिना अपने माता के संदेशानुसार तुरंत उपस्थित हो गए। जीजाबाई की इच्छा जानते ही उनका दिल बैठ गया। उन्होंने जीजाबाई को बहुत समझाने का प्रयास किया कि सिंगड़ जीत पाना बिल्कुल असंभव है। सिंगड़ के लोकगीतों और लोक कथाओं के अनुसार शिवाजी महाराज ने कहा, मुझे जीतने हेतु बहुत जन गए किंतु वापस एक भी नहीं आया। आम के बीज बहुत बोए किंतु एक पेड़ भी नहीं उगा। अपनी माता के दुखी हो जाने के डर से उन्होंने एक व्यक्ति का नाम सोचा जिस पर ये मुश्किल और असंभव काम वाला उत्तरदायित्व सौंप सकते थे। वे थे तानाजी मालुसरे, जिनके अतिरिक्त शिवाजी महाराज किसी और नाम को सोच भी नहीं सकते थे। तानाजी उनके बचपन के अमूल्य मित्र थे और बड़े ही हिम्मत वाले तथा हर मुहिम में शिवाजी महाराज के साथ देने वाले जाबाज योद्धा भी थे। तानाजी को जब शिवाजी महाराज के रायगढ़ पर मिलने का संदेश प्राप्त हुआ तब तानाजी मालुसरे उपरंत गांव में अपने बेटे के विवाह की तैयारियों में व्यस्त थे। किंतु महाराज का संदेश मिलते ही वे शीघ्र ही अपने भाई सूर्या जी तथा शैलार मामा के साथ महाराज से मिलने निकल गए। अपने परम मित्र तानाजी को कौन सी मुहिम के लिए चुना है अपने मुंह से बताने का साहस महाराज में नहीं था। तब उन्होंने तानाजी को मुहिम के विषय में जानने के लिए जीजाबाई के पास भेजा था। तब तानाजी को ये बात पता चली तो मुहिम की भयानकता और अंजाम की परवाह न करते हुए शेर दिल तानाजी ने मरने और मारने की प्रतिज्ञा कर ली और चुनौती स्वीकारते हुए बोले, मैं जीत कर लाऊंगा कोंडा का किला। वर्ष 1670 फरवरी की ठंड अंधेरी रात में कुछ 1000 साथियों को लेकर तानाजी ने रात में ही युद्ध आरंभ कर दिया और कोंडाना किले पर पहुंच गए। वे अपने साथी शिवाजी महाराज की प्रिय गुह एक ऐसा जानवर जो कि दीवार पर छिपकली की तरह आसानी से चिपक जाता है और काफी वजन संभाल सकता है को साथ ले गए थे। नहीं ये जो जानवर को मुगलों की सुरक्षा और सोच से दूर था वो था ऊंची चट्टानों से सुरक्षित किले का पश्चिम भाग। उन्होंने गो की कमर में रस्सी बांधकर उसके सहारे किले पर पहुंचने का प्रयास किया। गो की सहायता से मराठा सैनिकों को किले पर चढ़ने में मदद मिली। लगभग 300 सैनिक ही अब तक किले की दीवार के ऊपर चढ़ गए थे कि पहरेदारों को उनके आने की भनक लग गई। मराठा सैनिकों ने पहरेदारों को तुरंत काट डाला किंतु हथियारों की आवाज और खनखनाहट से किले की रक्षा करने वाली सेना जाग गई। तानाजी के सामने बड़ी गंभीर समस्या पैदा हो गई। उनके 700 सैनिक अभी भी नीचे ही खड़े थे तथा उन्हें अपने से कहीं ज्यादा संख्या में सामने खड़े शत्रुओं से भी दो दो हाथ करने पड़ रहे थे। इतिहास के जानकार बताते हैं कि युद्ध काफी भयंकर हुआ था। एक एक योद्धा 100-100 लोगों का शौर्य के बराबर खड़ा हुआ था। लड़ाई आरंभ हो गई और तानाजी के कई सैनिक मारे जा चुके थे किंतु उन्होंने मुगलों के बहुत से सैनिकों को मार गिराया। थोड़े समय के पश्चात मुगलों का सरदार उदय भान तानाजी से लड़ने लगा। इधर मराठों को अनेक अड़चनें भी आ रही थी। एक तो रात की लंबी दौड़, युद्ध की चिंता, किले की दीवार चढ़कर आना तथा घमासान युद्ध करना, इन सारी चीजों का तानाजी पहले से ही कड़ी मेहनत कर चुके थे। इस पर उदय भान से सीधा युद्ध में आमना सामना उन्हें पूरा ही थका देने वाला था, जो काफी अधिक घायल भी हो चुके थे, जिसके परिणाम स्वरूप एक लंबी वीरता भरी लड़ाई के पश्चात तानाजी शहीद हो गए। अपने सरदार की मृत्यु से मराठों के पांव तले से जमीन खिसक गई थी। लेकिन इससे पहले तानाजी ने जितना हो सका उतने समय युद्ध जारी रखा, जिससे नीचे खड़े 700 सैनिक पहरा तोड़कर अंदर घुसने में सफल हो सके। नीचे खड़े 700 सैनिक तानाजी के भाई सूर्या जी के अगवानी में लड़ रहे थे। सूर्या जी बिल्कुल समय पर पहुंच गए तथा उनकी प्रेरणा से मराठों को आखिर तक लड़ने की हिम्मत मिली। उस दौरान मुगलों का सरदार उदय भान को भी मौत के घाट उतार दिया गया और उदय भान के मरते ही पूरे किले की सुरक्षा तहस नहस हो गई। सैकड़ों मुगल सिपाही स्वयं को बचाने के प्रयास में किले से कूद पड़े या उसमें मारे गए। मराठों को बड़ी विजय प्राप्त हुई थी किंतु उनकी छावनी में खुशी नहीं थी। जीत का समाचार शिवाजी महाराज को दिया गया, जो तानाजी का अभिनंदन करने तुरंत किले की ओर निकल पड़े, किंतु बड़े दुख के साथ उन्हें उस शूरवीर का मृत शरीर ही देखने को मिला जो कि युद्ध में शहीद हो चुके थे। सिंहगढ़ के लोकगीत और लोक गाथाओं के अनुसार इस दुख का वर्णन कुछ इस प्रकार है। तानाजी के प्रति महाराज के मन में जो प्रेम था उस कारण वे 12 दिन तक रोते रहे। जीजाबाई को हुए दुख का भी वर्णन किया गया। चेहरे से कपड़ा हटाकर उन्होंने तानाजी का चेहरा देखा।
विलाप करते हुए उन्होंने तलवार निकाली और कहा, शिवाजी महाराज जो एक राजा तथा बेटा था, आज उसकी देह से एक महत्वपूर्ण हिस्सा कट चुका है। शिवाजी महाराज को अपने मित्र के शहीद होने की खबर मिलते ही उन्होंने कहा, गड़ाला पण सिंह गेला, यानी गढ़ तो जीत गए लेकिन मेरा सिंह यानी तानाजी चला गया। कोनाना का किला जीत लेने के बाद छत्रपति शिवाजी ने कोनाना किले का नाम बदलकर तानाजी की याद में सिंहगढ़ रख दिया। पुणे नगर के वागडेवाड़ी नामक जगह का नाम बदलकर नरवीर तानाजी वाड़ी कर दिया गया। इसके अलावा भी महाराष्ट्र में कई जगह तानाजी वीरता के प्रतीकों की स्मारकों की स्थापना की गई थी। 3 अगस्त 1984 को भारत के किले शीर्षक से निकले 4 विशेष डाक टिकटों में 150 पैसे वाला डाक टिकट सिंहगढ़ को भी समर्पित है। 19 जुलाई 2017 को बॉलीवुड के जाने माने मशहूर अभिनेता अजय देवगन ने तानाजी मालुसरे पर आधारित एक फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर फिल्म बनाने की घोषणा की। ओम राउत इस फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं। इस फिल्म में बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन, काजोल और सैफ अली खान मुख्य भूमिकाओं में है। ये फिल्म जनवरी 2020 में रिलीज होगी। इसके अलावा वर्ष 1933 में आई मराठी फिल्म सिंहगढ़ में भी तानाजी की जीवनी को दिखाया गया है। इस फिल्म का निर्देशन उस समय मशहूर निर्देशक वी शांताराम ने किया था। तानाजी मालुसरे के महापराक्रम को हम अभिवादन करते हैं। सो इट वाज अ नाइस वीडियो एंड आई थिंक दिस वीडियो प्रॉब्ली वाज अ एक्सप्लेनेशन ऑफ द मूवी इटसेल्फ। सो इफ यू लुक एट द तानाजी मूवी यू कुड सी इन द बैकग्राउंड ऑल द सीन्स वर प्राइमरली फ्रॉम दिस मूवी। And, you know, they had put some graphic effects, making it an older documentary kind of look and with the, you know, black and white in certain areas. So essentially this was, I think they were trying to, I would say, explain or enhance, tell more details about the movie itself. Because the movie itself had covered most of the part of what really happened from the beginning to the end. And what they were saying was essentially the same thing in a different way. Although, other than when they said that they showed a picture where they were using a crocodile climbing the wall. So there must be some historical things that probably were not in the movie and they had shown that. But essentially, yes, it was a great movie. And they had some new information about the stamp being on that. That was a good thing. But rest of the historical events were kind of similar to the movie. So I would say in today's world, yes, history is history. Anybody who has read the history, I'm sure they have looked at the history and created a movie. And now they have created this video that expands on the movie, taking the scenes primarily from the movie. So this was a good video, good refresher on what really happened. But our focus is really on the bravery of Tanaji. The greatness where he was a friend and he went and he gave his life because of his friend. He gave his life. His son, obviously, he could not see the marriage of his son. And his wife was really, you know, obviously spent the rest of the life in sadness. And then Shivaji Maharaj himself, they said that he was, deep sorrow for 12 days. So that is some additional information, but very nice video that refreshed our memories on what really happened. And of course, this was a great, reminds you of the great heroes that have lived in India. And it also teaches that bravery certainly is a great thing. There's no better way to live rather than give your life for a country. So that, and you need a lot of courage to do that. And you obviously have to be born in that kind of role where the child is born who loves, as I said, swords. And he became a fantastic sword fighter and a soldier. And then obviously went up in the ranks of the war. So very nice video that refreshes you on the story of Tanaji. Yes, friends, it brought back the movie scenes and all the story that we saw and the ending. I still remember that when we watched the ending part, the ending was really, I'm sure many of you must have cried watching that. And after watching that movie for quite a long time, we were like kind of depressed and unhappy. So that shows the impact, that you have when you watch such great heroes and their sacrifices.
So guys, we hope you enjoyed watching this video with us. We'll come back again in another video very soon. Till then, take care and bye-bye. Oh, and if you're new to my channel, don't forget to hit that subscribe button and hit the bell icon so it notifies you when I put in my new video for you to enjoy. Bye.